गाजियाबाद के नंदग्राम में धर्मांतरण के आरोप लगे एक समूह पर, और उनका कहना है कि वहां पर किसी तरह का धर्मांतरण नहीं हो रहा था, बल्कि उन्होंने खाने पर कुछ अतिथियों को आमंत्रित किया था और जिस वक्त वो लोग भोजन करने के लिए बैठे थे उसी वक्त वहां पर अचानक से पुलिस पहुंचती है, 5 लोगों को हिरासत में लेती है और उसके बाद से सोमवार के बाद अभी तक उन लोगों को पुलिस हिरासत में ही रखा गया है पूछताछ। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो तमाम बिंदुओं से पूरे मामले की जाँच कर रही है, लेकिन इन सभी के केंद्र में है वो मकान, वो घर, वो परिवार जहाँ पर वो लोग जुटे हुए थे और जहाँ पर आरोप है कि धर्मांतरण करने की बड़ी साजिश हो रही थी या योजना बनाई जा रही थी। हमारे साथ वो महिला है जिनके घर पर उस दिन पुलिस पहुंची और वहां से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। नाम बता दीजिए अपना सबसे पहले। संगम, संगम नाम है मेरा। संगम, आप कितने दिनों से उस पते पर रह रही हैं? सर हम तो पैदाइशी वहीं के हैं। जब हमारे मम्मी पापा आए थे तो दूर दूर तक कोई नहीं था, पूरा खेत था। सबसे पहली बिल्डिंग हमारी बनी है, 40 से 50 साल हो गए हैं। आप किस धर्म में मानती हैं सबसे पहला? मैं हिंदू धर्म में हूँ, जाटव मेरी कास्ट है, SC में हूँ और हिंदू धर्म में हूँ स्टार्टिंग से अब तक। ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म परिवर्तन, पहले भी हिंदू धर्म में थी, आज भी हिंदू धर्म में हूँ, पहले भी जाटव SC में थी, आज भी जाटव SC में हूँ। तो जिन लोग, जो लोग आपके घर पे आए उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तारी हो गई, FIR भी दर्ज हो गई, उनका कहना है कि धर्मांतरण का कोई रैकेट चल रहा था, क्या सच्चाई है इसमें? सर सच्चाई जो है ये है कि अब हम लोग तो डिसाइड करेंगे ना हमारी फ्रेंड लिस्ट में कौन लोग रहेगा। अब हमारी फ्रेंड लिस्ट में सर वाल्मीकि से लेकर जाट, गुजर, त्यागी, बामन, मुसलमान सब लोग होते हैं। वो हमारी मर्जी है हम किसको खाने पे इनवाइट करें। हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे खुद के फ्रेंड हैं मुसलमान भाई, वो भी आते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाने में धर्म परिवर्तन हो गया तो यानी कि हम मुसलमान बन चुके थे बहुत पहले, और अगर हम खाना खाने में किसी और के साथ बैठ गए, सिखों के साथ ही बैठते हैं, तो क्या हम सिख बन गए? सोमवार शाम को जब पुलिस अचानक से आपके घर पे पहुंची तो उस दिन क्या चल रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था? सर उस दिन हमने एक आशीष है और उनकी वाइफ सोनिया है जो कि हमारे भैया के फ्रेंड सर्कल, मेरे खुद के सगे भाई रवि उनके फ्रेंड सर्कल में है, तो उन्होंने बोला कि अरे यार कभी तो अपनी वाइफ को लेके आओ खाने पे। तो ऐसे जस्ट फ्रेंड वो लोग खाने पे उनको लेके आ गए। अब वो लोग अपने साथ एक सर को लेके आए थे जिनका नाम जेरी मैसी है, हमको नहीं पता था। अब साथ में लेके आए तो धक्का दे दें क्या? हमको नहीं पता, साथ में लेकर धक्का थोड़ी देंगे। खाने पे इनवाइटेड थे तो हमने खाने पे इनवाइट किया, खाना चल रहा था, पानी का ग्लास उनको पकड़ाया गया, चाय भी ऑफर नहीं हो पाई थी। बस इतने में धड़ हमारे गेट बजे कि कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, इतनी चप्पलें कैसे निकल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमने बोला कि अरे खाने पे इनवाइट किया है, गेस्ट लोग हैं और क्या होता है। अरे अपना नाम बताओ। हमारे फैमिली वालों ने सबने अपना नाम बताया कि संगम, रवि, पूनम, जैसे नाम चलते गए, इनवाइट तो किया कि आशीष, आशीष की वाइफ सोनिया, उनके 2 बच्चे। और फिर बाद में बोले ये आदमी कौन है बैठा है, कि इनके साथ आए थे, कि भी तुम्हारा नाम क्या है, कि जेरी मैसी। अरे क्या कहा, जेरी मैसी तुम कैसे यहाँ बैठ सकते हो, तुम कैसे यहाँ खाना खा सकते हो, नहीं तुमने इनको कैसे खाना ऑफर किया है, तुमने इनको कैसे बैठा। अरे हम धक्का थोड़ी दे देंगे, अब फ्रेंड सर्कल के साथ में आए हैं, धक्का थोड़ी दे देंगे, तुम लोग डिसाइड करने वाले कौन हो। पुलिस जिस दिन पहुंची थी उस दिन कितने लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे? सर सबसे पहले 4 लोगों ने हमारे साथ बदतमीजियां की, 4 लोग आए, अचानक से गेट वेट बजाए उन लोगों ने, अचानक से बस पूछा ताछी करी, कुछ नहीं हुआ, वो लोग फिर चले गए। उसके बाद से फिर धीरे धीरे उन लोगों ने 10 में संख्या बनाई, 10 से 40 हुए और 40 से वो 80 बन गए, हमारी पूरी गली भर चुकी थी और फिर साथ में पुलिस भी ऐड हो गई इसमें। कोई प्रार्थना सभा चल रही थी वहां पर बताया जा रहा है? कुछ नहीं चल रहा था सर, कुछ नहीं चल रहा था। प्रार्थना सभा की बात ये है कि इन लोगों ने पहले तो ये RSS वाले लोग जो थे, इन लोगों ने सबसे पहले तो हमारे यहाँ की तलाशियाँ ली, इन्होंने वीडियो बनाई तलाशी की। जब ये लोग तलाशी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, मैं खुद इन लोगों की वीडियो बना रही थी जो कि आज मेरे फोन में है, क्योंकि तुम बिना वारंट के हमारे घर में तुम कैसे तुम तलाशी ले सकते हो भाई। तब इनको कुछ नहीं मिला, RSS वालों को खुद कुछ नहीं मिला, ये लोग चले गए। इनको तसल्ली नहीं हुई, फिर भी इन लोगों ने खुद पुलिस वालों को 3 बार हमारे घर भेजा तलाशी के लिए, हर घंटे। जिस टाइम तलाशी के लिए भेजा, मेरे को यहाँ पे इन्होंने हिरासत में लिया हुआ था, मैं नहीं थी, मेरे भाई को हिरासत में लिया था, मेरे भाई नहीं थे। मेरी माँ जो थी वो हार्ट पेशेंट थी, उनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया, मेरी भाभी बेचारी बोल नहीं पा रही थी, नर्वस इतनी हो गई थी। उस हालत में इन लोगों ने घर में जा जाकर 3 बार तलाशी ली, हमारे चाय चीनी पत्ती के डिब्बे खोले, कनस्तर खोले, बेड खोला, सेफ का सामान निकाला, इतनी तबाही मचाई, फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं मिला। कुछ वहाँ पर किताबें और ऐसी कुछ नहीं है, सब किताबें हैं तो दिखाओ ना, कुछ तो प्रूफ होगा, किताबें हैं तो कुछ तो होगा प्रूफ, वो दो ना, कहाँ क्या किताब मिली है। और चलो अगर मिली भी है तो किताबें किताबें होती हैं, हमारे तो बाइबल भी रखी होती है, या फिर हमारे यहाँ गीता रखी होती है, या फिर कुरान रखी होती है, या सिख रखी होती है, उससे क्या। इनको कुछ नहीं मिला, इनको सिर्फ गिटार मिला जो कि वो हमारा था। अब इन लोगों ने उसको भी प्रॉपर्टी बना दिया कि वो इनकी प्रॉपर्टी थी। अरे शौकियाना है, बजाते हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गई। अब ये लोग आके बोले कि नहीं प्रार्थना चल रही थी, गाना बज रहा था, ये सब हो रहा था, हमारे पास वीडियो है।
हमने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा तो तुम प्रमाणित करो, दिखाओ। तो ये लोग बार बार उस पर बताया कि नहीं ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन जब उन्होंने वीडियो दिखाई खुद पुलिस वालों को तो उनकी वीडियो में कुछ था ही नहीं। पुलिस वाले ने खुद इनसे पूछा कि अबे हमें ये मत दिखाओ कि इनके घर में कितने लोग खाना खा रहे हैं, हमको सिर्फ ये दिखाओ कि वो प्रार्थना जो चल रही है वो प्रार्थना हमको दिखाओ, वो था ही नहीं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जेरी जो हमारे गेस्ट थे, आशीष भैया, उनकी वाइफ और मुझे, मेरे भैया और जो उनके साथ आए थे जेरी में से, बस ये बोल के कि नहीं नहीं यहाँ पे कृष्ण को खाना कैसे खिलवा सकते हैं, अब यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन। सर देखिए, हमारे पास न तो किसी ने जोर जबरदस्ती की है, न ही हमारे पर किसी ने दबाव डाला है, ये हमने खुद की इच्छा से अपने फ्रेंड लोगों को खाने पे बुलाया था। लेकिन इन लोगों ने इसको ब्लेंडर बना दिया, क्योंकि सिर्फ एक जेरी में ऐसी इंसान वो बैठा था। अरे बैठा तो क्या, खाना नहीं दे सकते क्या हम उनको? सिर्फ इतनी बात के इन लोगों ने ब्लेंडर मचाया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जिनके घर पर उस दिन पुलिस पहुंची और लोगों को हिरासत में लिया गया, उनका कहना है कि एक आमंत्रित किया था उन्होंने कुछ मित्रों को भोजन पे और उसके बाद ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि उन तमाम लोगों के समर्थन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग लगातार जुटे हुए हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसको ये लोग गलत करार दे रहे हैं और लगातार ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोग लगातार थाने के सामने जुटे हुए हैं, क्या ये आप लोग का एक विरोध है कि जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस ने किया उसको लेकर? सर जब ये लोग यहाँ में 3 दिन से बोल रहे हैं छोड़ देंगे, अब टाइम पे टाइम ये बोलते जा रहे हैं, तो हम लोग बार बार आ रहे हैं, हम टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको और आगे खींच रहे हैं। ये लोग कोई मतलब प्रॉपर तरीके से एक सच होता है ना, या हम लोगों को बताए कि हाँ आप ये छूट जाएंगे, सच में लोग झूठ बोल बोल के, नहीं नहीं आप परेशान मत होइए, आप सब लोग जाइए, नहीं नहीं आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बोल बोल के लोगों को मतलब इस तरीके से कर रहे हैं और हम लोग परेशान हो रहे। अभी तक इन्होंने नहीं छोड़ा और अभी भी इन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, फिर 11:30 का, और अब टाइम देख लीजिएगा क्या टाइम हो रहा, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में एक तरह से गुस्सा भी है इस बात को लेकर कि आखिरकार 3 दिन इस बात को हो गए और 3 दिन होने को है और तब भी इस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इनका कहना है कि किसी भी तरह का धर्मांतरण रैकेट वहां पर नहीं चल रहा था, लोग आपस में मिलते जुलते थे और उसी को मुद्दा बना दिया गया है। TV9 भारतवर्ष के लिए खुर्शीद के साथ गाजियाबाद से मैं अभिजीत ठाकुर।